ठीक है आज तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, मैं हूँ रिया उपाध्याय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम साक्षी है संवाद बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के हम ये रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के रिव्यू से पहले आपको जानना होगा साक्षात्कार के बारे में। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार को हम इंटरव्यू भी कहते हैं। साहित्य की बात करें तो साहित्य में कई सारी विधाएं हैं, उन्हीं में से एक विधा साक्षात्कार भी है, जो कि उतनी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विधा नहीं रही है। तो ये तो हुई साक्षात्कार की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बुक एक इंटरव्यू बुक है। इंटरव्यू साक्षात्कार को हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। ये बुक एक इंटरव्यू बुक है। इसमें राहुल देव ने ज्ञान चतुर्वेदी जी का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने उनसे कई सारे प्रश्न पूछे थे, जिनके राहुल ज्ञान चतुर्वेदी जी ने बड़ी सरलता और स्पष्टता के साथ उनके उत्तर दिए थे। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, ज्ञान चतुर्वेदी से लंबी बातचीत बाय राहुल देव। तो इस बुक के बारे में और बताएं तो इस बुक का पहला संस्करण 2018 में आया था रश्मि प्रकाशन के द्वारा, और इस बुक की कीमत है 100 रुपीज़। और इस बुक का इंटरव्यू शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 8 अक्टूबर 2017 तक इस बुक का इंटरव्यू हुआ था। और ज्ञान चतुर्वेदी जी के बारे में बताएं तो वो पद्मश्री से सम्मानित बहुत बड़े व्यंग्यकार और आलोचक हैं। और राहुल देव युवा कवि, आलोचक एवं संपादक हैं। उन्होंने उनसे बहुत कई सारे प्रश्न पूछे, जिनमें से कई सारे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्हीं में से मैं आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न पेज नंबर 15 से शुरू हुआ है। तो आप सुनिएगा कि अभी जब आप बचपन वाली बातें बता रहे थे तो मेरे दिमाग में सहज रूप से कौंधा था, तो वो मैं पूछ ही लेता हूँ कि जब आप हजारों जासूसी उपन्यास जो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं थे, और साथ में आप अच्छे से पढ़ते भी थे, तो उससे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता था? घर वाले नहीं मना करते थे कि ये सब मत पढ़ो, लेखक बन जाओगे आदि आदि? तो इनका ज्ञान चतुर्वेदी जी ने बड़ी अच्छी तरीके से उनका उत्तर दिया कि बहुत मना करते थे और पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी होता था, लेकिन फिर भी उनसे एक प्यार सा हो गया था, उन जासूसी किताबों से एकदम प्यार सा हो गया था, बहुत पसंद करते थे उनको। जैसे अगर परिवार वाले ना देखें तो उसके लिए हम कोर्स की बुक में उन बुक को छुपा कर पढ़ा करते थे, और जैसे कई सारी बुक्स ख़रीदा भी करते थे। तब इतने सारे पैसे भी नहीं थे तो कुछ बुक्स खरीदते थे और कुछ बुक्स चोरी करके पढ़ा करते थे, और फिर कई सारी बुक्स हो जाती थी तो उनको छुपाना भी पड़ता था, तो उनको छुपाते भी थे। इसी तरीके से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। इनमें से एक प्रश्न और था जो कि व्यंग्यकार हैं उनके लिए और आलोचक हैं उनके लिए मददगार साबित हुआ है, ये साबित हुई है बुक। उन्हीं में से मैं आपको एक प्रश्न और बताती हूँ, जो कि पेज नंबर है 22 पे। आप और लगभग सभी वरिष्ठ लोग कहते रहे हैं कि व्यंग्य की बड़ी दुर्दशा है। व्यंग्य आलोचना नहीं है, सौंदर्य शास्त्र नहीं है। क्या व्यंग्य की आलोचना की इस दुर्दशा में आपकी कोई भूमिका है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी इसमें कुछ लाइनें पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, मैं आलोचक नहीं हूँ, इसलिए व्यंग्य की अच्छी आलोचना क्यों नहीं है? मुझसे इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। मैंने आलोचक बनने की आलोचक होने का कभी दावा नहीं किया। आलोचना का काम आलोचक का है, और व्यंग्य की आलोचना का हाल आज से नहीं है। व्यंग्य में परसाई जी के जमाने में, शरद जी के जमाने में, परसाई जी के और शरद जी को इसकी किसी आलोचक ने कभी नहीं भाजा। वो इन बड़े व्यंग्यकारों को नहीं समझ पाए। इसी तरीके से उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। इसमें कई सारे प्रश्न हैं, ये पूरी बुक प्रश्नों के लिए मिनिमम 100 पेजेस में कंप्लीट हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। और इसमें आपको इंटरव्यू के बारे में और व्यंग्यकारों के बारे में, आलोचक के बारे में, और उनके जीवन चरित्र के बारे में, लेखक का जीवन कितनी कठिनाइयों के साथ बीतता है,
वो छोटे से लेकर बड़ा होने तक का किससे कितनी कठिनाइयों के साथ होता है उसी का वर्णन किया है इस बुक में। आई होप कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।